राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को रामगंज मंडी और कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामगंज मंडी क्षेत्र में चेचट स्थित महाजनों का बाग और सात लखेड़ी स्थित SSI स्कूल खेल मैदान में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं कोटा में सोगरिया स्टेशन रोड पर रेलवे वर्कशॉप के सामने सभा को उन्होंने कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में चुनावी सभा किया। DTCM डॉक्टर बैरवा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में दलित समाज के उत्थान के प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित पिछड़ों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है। हालत यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अशोक गहलोत को वैभव गहलोत की चिंता है, जबकि भाजपा 36 कौओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से 70 साल हमारा वोट बैंक उपयोग में लेती आई है कांग्रेस सरकार, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दलित वर्ग के लिए नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं, पिछड़े वर्गों को भी लेकर जो योजनाएं चलाकर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर कल कर आपके गाँव में रथ माने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे जो भी जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला ऐसे वंचित लोगों को लाभ देने का काम किया और उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं।